हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिस, ट्रिस और टेट्राकिस किन किन कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों पर लगता है, कहां कहां पर हम आईपीसी नेम लिखते समय बिस, ट्रिस और टेट्राकिस का प्रयोग करेंगे। एक लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने इस पर वीडियो सोचा बनाने के लिए। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है EN का होल ट्वाइस CONH2OHCO, EN का होल ट्वाइस और फोर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नाम बनाते हैं, नाम लिखेंगे इसका सबसे पहले म्यू एमीडो। आप जानते हैं NH2 को हम लिखते हैं एमीडो, म्यू एमीडो। और ब्रिज लिगेंड नेम, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम म्यू लगाते हैं, तो म्यू एमीडो, म्यू हाइड्राक्सो। उसके बाद टेट्राकिस। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप टेट्राकिस क्यों लगा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एथिलीन डाइमीन, यहाँ दो है और यहाँ भी दो है, तो चार हो गया। तो चार के लिए लगाएंगे हम टेट्रा किस लगाएंगे, और एथिलीन डाइमीन वैसे के वैसे लिख दिया गया है, तो टेट्रा किस एथिलीन डाइमीन। और कोबाल्ट दो बार था तो डाई कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये इस पर माइनस एक चार्ज होता है, इस पर भी माइनस एक होता है, तो माइनस एक माइनस दो हो गया। और इसको उधर ले जाएंगे तो चार ये है तो सिक्स हो जाएगा, और दो से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थ्री आ जाएगा। तो इस पर कार इसका नाम हो गया म्यू एमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्राकिस, एथिलीन डाइमीन, डाई कोबाल्ट, थर्ड आयन। चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, आयन लिख दिया। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं EN दो बार है और तो हम ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे तो म्यू एमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्राकिस। चार है तो यहाँ पर लगा दिया मैंने टेट्राकिस, और एथिलीन डाइमीन और दो बार कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है ट्रिस पर, CrEn का होल थ्राइस Cl3। तो आप देख रहे हैं यहाँ थ्री है तो इसका नाम लिखने के लिए आप जानते हैं थ्री है तो इसके लिए ट्रिस लिख दिया गया, और एथिलीन डाइमीन जो है उसको सिंपल वैसे लिख दिया गया, तो यहाँ पर थ्री बार था तो इसलिए क्या लिख दिया गया, ट्रिस लिख दिया गया। तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाइमीन क्रोमियम, क्रोमियम था क्रोमियम, और थर्ड इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और जैसे क्लोराइड है वैसे सिंपल लिख दिया गया, तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाइमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है CO CH2NH2 CH2NH2, यही चीज एथिलीन डाइमीन है, इसको ऐसे लिखें या शॉर्ट फॉर्म में EN का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, और ये SO4 का होल थ्राइस, तो इसका नाम लिख देंगे, यहाँ भी आप देख रहे हैं थ्री है तो वही चीज लिख देंगे ट्रिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट, सिंगल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, इसका आप जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका हो जाएगा जीरो, SO4 पे डबल निगेटिव चार्ज होता है, दो से तीन से गुणा करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, और कोबाल्ट क्या करेंगे यहाँ पर ट्वाइस है तो यहाँ भी दो है तो दो से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, और सल्फेट वैसे लिख दिया गया तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब आइए देखते हैं बिस कहाँ पर लगता है। तो बिस के लिए जो हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है निकिल C6H5 का होल थ्राइस P का होल ट्वाइस Cl2, तो इसका नाम लिख दिया गया डाई क्लोरो, दो बार क्लोराइड है तो डाई क्लोरो, और ये दो बार लिखा गया, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये दो बार लिखा गया तो इसलिए लग गया यहाँ बिस, और इसका नाम है ट्राइफिनिल फास्पीन, तो ये सिंपल लिख दिया गया ट्राइफिनिल फास्पीन, और निकिल था तो निकिल ऐसे लिख दिया गया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया तो क्या आ गया सेकेंड आ गया, तो इसका नाम हुआ डाइक्लोरोबिस ट्राइफिनिल फास्पीन निकिल सेकेंड। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है CoEn का, EN का होल ट्वाइस Cl2 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है Cl, तो इसका नाम लिखेंगे तो डाइक्लोरो, और ये भी दो बार लिखा गया तो इसलिए लिख दिया गया बिस, और ये एथिलीन डाइमीन लिख दिया गया, और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ क्लोरीन तीन है तो इसलिए थर्ड आ गया, और बाहर जो नाम हो उसे सिंपल लिख दिया गया क्लोराइड, तो इस प्रकार इसका नाम होगा डाइक्लोरोबिस एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस का ये एग्जाम्पल है, आप आसानी से बना सकते हैं हर जगह। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।